हेलो बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करें हमारी एक्सरसाइज 5.2। और आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देख लिया होगा, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत सारे फॉर्मूलाज बताए थे, तो वो सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर याद रखें, तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाओगे। और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइजेस 1 to 8। तो आपको यहाँ पे फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन को y इक्वल टू लेते हैं, लेट y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जो कि हमने अगर इंट्रोडक्शन देखा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि दो तरह के फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक फंक्शन अलग है और साइन एक फंक्शन अलग है। तो दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से अगर कोई फंक्शन बनता है तो उसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो अलग अलग फंक्शन आपको पहचानने आने चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह का फंक्शन है, कि उस तरह का ऑपरेशन उसके ऊपर लगेगा। तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है, दो मेथड से मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सॉल्व कराया था, बट मैं आपको सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से कराऊंगी, क्योंकि वही मेथड लेकर के आपको आगे चलना है। इसको यू मानना अंदर वाले को, फिर उसको अलग अलग चेन रूल वाले मेथड से मैं इसको सॉल्व नहीं करा रही हूं। हम डायरेक्ट इसको यहां पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो तो यहां लिखना मत भूलना डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हमने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। बहुत अच्छे से समझना, धीरे धीरे समझना। कंपोजिट फंक्शन में दो फंक्शन हो सकते हैं, जैसे एक फंक्शन यहाँ साइन है और एक फंक्शन हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तीन फंक्शन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप देखते रहना है। तो देखो, लेफ्ट में तो हमने दोनों साइड में हमने डिफरेंशिएट कर लिया, डी बाय डी एक्स इधर भी लगा दिया, डी बाय डी एक्स इधर भी लगा दिया, स्टेप्स के ही मार्क्स है यहाँ पे। अदरवाइज आपको जब ये समझ में आ जाएगा तो अब एक लाइन में आप पूरा आंसर लिख देंगे। तो ये तो आपका रह गया डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ फंक्शन में आपको पहचानना है कि बाहर कौन है और अंदर कौन है, क्योंकि दो फंक्शन है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले किसका करें बाद में किसका करें। तो यहाँ एक फंक्शन इस फॉर्म में है, साइन एक्स फॉर्म में, अब एक्स की जगह पे ये पूरा है, और दूसरा फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो ये साइन के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो एक्स जहां पे जो साइन है वो हमारा आउटर है और ये क्या है, हमारा इनर है। तो जो पहले बाहर होगा उसका हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो अभी तो हम सबको पता है, फॉर्मूले में भी हमने देखा था कि d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है आपका कॉस एक्स। एक्स की जगह पे चाहे जो भी हो, एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स पावर 5 हो, यहाँ पे कुछ भी हो, जो यहाँ पे होगा वो का वो यहाँ पर आ जाता है, यही हमने फॉर्मूले में पढ़ा था। तो सबसे पहले देखेंगे d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, जो एक्स है वो यहाँ पे पुट कर लो। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर कॉस एक्स की जगह हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो साइन का काम हो गया, दो फंक्शन है उसमें से साइन का काम हो गया। अब ये बचा है तो इसका डिफरेंशिएशन बचा है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जितने भी यहाँ पे टर्म्स होगी उन सबको वो डिफरेंशिएट करेगा। अभी साइन को किया है, इसका रह गया, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक फंक्शन का हम कर चुके हैं, दूसरा बाकी उसका फिर से हमने यहाँ पे कर दिया। तीन होंगे तो दो का करके तीसरे के साथ लिखेंगे, फिर चौथे के साथ लिखेंगे, ऐसे ही है चलता जाएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है आपकी ये वाली। तो नेक्स्ट आपका हो गया डी वाई बाय डी एक्स, इसका काम हो गया है, साइन का हमने काम कर लिया, तो ये आपका आगे आ गया। अब डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इधर देखो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे हमने वो वाला जो फॉर्मूला देखा था डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन में क्या बताया था, एन आगे आ जाता है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है। तो ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 2-1 हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। तो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपका यहां से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहां पर भी आपके अंदर दो टर्म है, तो हम इसको भी d बाय डी एक्स दोनों को दे देते हैं। d बाय डी एक्स एक बार हम एक्स स्क्वायर को दे देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि u प्लस वी का अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो u डैश प्लस वी डैश, यानी इसका अलग और इसका अलग होगा। तो हमने d बाय डी एक्स इसको अलग दे दिया और d बाय डी एक्स हमने 5 को अलग दे दिया। तो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो आपका कितना हो गया, 2x हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये आपका यहाँ पर हो गया 2x। और कांस्टेंट का डी बाय डी एक्स क्या होता है, तो 0 होता है। हमने एल्जेब्रिक फॉर्मूले अभी देखे थे ना, तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं डी बाय डी एक्स, यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं ना, डी बाय डी एक्स ऑफ सी कॉन्स्टेंट टर्म, इसका क्या होता है, 0 होता है। फॉर्मूलेज आप सारे साइड में लिख देना, ठीक है। बस अब हमारा इसको क्या करना रह गया, सॉल्व करना रह गया।
अभी मैं नए नए आप सीख रही हूँ ना, इसलिए मैं आराम से सिखा रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, यहाँ से क्या बचा आपका, टू एक्स बचा। तो ये इसके प्रोडक्ट में नहीं है, इस पूरे के प्रोडक्ट में, इसलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया। तो जब भी इस तरह से टर्म आती है तो उसको आप आगे ले लो, टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव हो गया। ईजी है ना, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किसका पहले करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको चलते रहना है। चलो नेक्स्ट देखो, चलो सेकेंड वाला देखो, y इक्वल टू क्या है, कॉस और उसके अंदर साइन एक्स है। तो अब आपको वही देखना है आउटर कौन है और इनर कौन है। तो ये बाहर है और ये इसके अंदर है, तो पहले इसका होगा और बाद में इसका होगा। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, d बाय डी एक्स ऑफ, पहले बाहर कॉस है, d बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, एक्स जगह पे कुछ भी हो साइन एक्स होता है, लेकिन सारे सी के साथ में क्या आता है, माइनस आता है, कॉट कॉस एक्स के साथ माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे कॉस का कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी डी बाय डी एक्स लगाया और हमने राइट में भी डी बाय डी एक्स लगाया, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। तो पहले हम कॉस का करें, जो यहाँ एक्स है वही एक्स यहाँ है, तो जो यहाँ एक्स है वही एक्स इसके आंसर में आएगा। तो ये आपका हो गया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस का क्या हो गया, साइन और माइनस का साइन, एक्स की जगह पे कौन है, तो आपका साइन एक्स ही है। ठीक है, तो अभी हमने कॉस का किया, अब बचा कौन आपका, साइन एक्स बच गया। तो अब इसके साथ हम डी बाई डी एक्स लगा देंगे, है ना, जैसे ट्रेन नहीं चलती है, पहले यहां चलेगी फिर दूसरे स्टेशन में जाएगी, सेम यहां पे भी डी बाई डी एक्स पहले पहले के पास जाएगा फिर दूसरे के पास जाएगा। अब बचा कौन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपका अभी हमने पीछे देखा था कॉस एक्स होता है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। तो ये क्या हो गया, माइनस का साइन साइन एक्स हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, डी बाई डी साइन एक्स इज कॉस एक्स हो जाएगा। तो चाहे ऐसे लिख लो या आप कॉस एक्स को आप आगे भी लेकर के जा सकते हो। तो ये भी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। चलो अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन थर्ड हमारा क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का। तो इनर कौन है आउटर कौन है, तो ये पहले इसका होगा और इसका बाद में होगा। अभी दो दो फंक्शन है तो डिसाइड करना इजी हो रहा है। तो चलो करो, दोनों साइड आप यहाँ पे पहले क्या लगा दो, डी बाई डी एक्स लगा लो, डी बाई डी एक्स हमने इधर भी लगा दिया और हमने इधर भी लगा दिया। तो चलो लेफ्ट तो वही रह गया डी वाई बाई डी एक्स, अब राइट में क्या होगा, पहले साइन का होगा, जो यहां एक्स है वही एक्स यहां आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी हो गया, इसका काम हो गया खत्म। अब इसका टर्न है तो इसके साथ आप डी बाई डी एक्स लगा लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे दो टर्म है तो वो यू वी वाला, कि यू प्लस वी का अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो यू का अलग होगा देन वी का अलग होगा। तो इस डी बाई डी एक्स अब इसके साथ अलग और इसके साथ अलग चला जाएगा। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखा, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको पीछे और बताया था कि d बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स, ए एक्स यानी कि ये कॉन्स्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, a आपका बाहर आ जाएगा और d बाय डी एक्स इस एक्स के साथ चला जाएगा, है ना। कॉन्स्टेंट का कभी भी यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। d बाय डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है, d बाय डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट जो होता है वो तो जीरो होता है, लेकिन कॉन्स्टेंट के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई है, जैसे मैंने k लिखा था पीछे, है ना, तो k वो कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा और जो वेरिएबल है उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी ये a क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा और ये d बाय डी एक्स ऑफ x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ आपका b बच जाएगा, यानी इसका होगा और इसका होगा। तो ओनली एक्स का क्या बताया था, ये भी पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, तो आपका वन होता है, है ना। तो अभी आपको क्या फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो हर चीज आपको डिटेल में बतानी पड़ रही है। तो एक बार आपको याद हो जाएंगे फिर तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहां से क्या हो गया, ए बचा और इंटू वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, वन होता है, और कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो जीरो होता है। तो यहां से आपका क्या बच गया, फिर ओनली ए बचा, ए इंटू वन ए और ए प्लस जीरो ही बचा, उस ए को हम आगे लिख लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स आपका यहाँ पर कितना हो गया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पे फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट फोर। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप डिफ्रेंशिएट करो sec tan रूट एक्स का। तो यहाँ कितने फंक्शन हुए, एक sec अलग हुआ, टेन अलग हुआ और एक रूट एक्स अलग हुआ। ओनली एक्स होता तो कोई बात नहीं था, क्योंकि ओनली एक्स के लिए हमें अलग से करने की जरूरत नहीं होती। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, वन होता है ना। तो यहाँ पे आपके पास तीन फंक्शन है, ये पहला है जो सबसे आउटर है वो पहला है, फिर उसके अंदर वाला सेकेंड टाइम पे हमें करना है और उसके अंदर वाला हमें थर्ड टाइम पे करना है। पहले सेक का करेंगे
फिर 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद रूट का करेंगे। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है, sec x tan x होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x क्या होता है, तो 1 अपॉन 2 रूट x होता है। ये सारे हम इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं। तो सबसे पहले sec करो, जो यहाँ पे x होगा वही x यहाँ आएगा और वही x आपका यहाँ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल ईजी बात है। तो ये हो गया आपका dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, तो sec x tan x। तो यहाँ पे लिखो sec x कौन है, तो ये आपका है यहाँ पर tan root x है, फिर tan x, तो ये आपका tan, फिर tan root x है। तो ये अभी हमने सिर्फ sec का किया है कि sec x अगर ये पूरा का पूरा x होता तो हम सिंपल sec x tan x लिख लेते, बट x की जगह पे हमें ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है ना, sec का sec x tan x, x की जगह पे ये वैल्यू। sec का हो गया, अब किसका टर्न है इसका, तो अब आपका d बाई डी एक्स किसके ऊपर आ जाएगा, तो tan root x के ऊपर आ जाएगा, है ना। अब आप tan का करोगे, इसका टर्न हो गया, तो इसको हम वापस एज इट इज लिख लेते हैं, ये अब साथ साथ चलता रहेगा, sec tan root x और tan tan root x, ये लिख लिया। अब d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x sec square x होता है, तो जो x यहाँ होगा वही x यहाँ आएगा। तो ये मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, तो ये आपका हो गया sec square x, x की जगह पे कौन है root x, तो इसका भी टर्न हो गया। सबसे पहले हमने sec का किया, उसके बाद हमने यहाँ पे tan का किया, और अब किसका करेंगे, तो root x का करेंगे। तो अब हमारा आया d बाई डी एक्स ऑफ root x हो गया। तो root x का तो सीधा सा फॉर्मूला है, root x के लिए हम वो की वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा लिख लिया, और रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा। अब चाहो तो इसको आगे लिख लो, इसको भी आगे चाहो, जैसे आप अरेंज करके इसको लिखना चाहो वैसे आप यहां पे लिख सकते हो, अदरवाइज ये फाइनल आंसर आपका भी राइट है। चलो नेक्स्ट करो, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे क्या है हमारा, फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई cos cx प्लस डी। तो आपको ध्यान है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था u अपॉन v वाला, अगर हमें d बाई डी, क्योंकि देखो बहुत सारे फॉर्मूला है तो आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या लगेगा, इजी हम इसको कैसे कर पाएंगे, है ना। तो d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v का फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या था, कि जो न्यूमरेटर में है पहले उसका डिफ्रेंशिएट करो, v को डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने दो, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट डिनोमिनेटर ऐसे ही रहने दो, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे स्क्वायर कर दो, जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दो। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ना, ये पैटर्न आपको यहाँ पता होना चाहिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला एज इट इज, देन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो बस अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये मेरा यहाँ पर यू है, और इसको देखते तो ये मेरा यहाँ पर क्या है वी है, तो मुझे बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो v की वैल्यू मेरे पास है, u की वैल्यू मेरे पास है, v स्क्वायर भी मैं कर दूंगी, बट मुझे u डैश और v डैश चाहिए। तो कोई छोटी टर्म तो है नहीं कि इसमें लिख करके करे, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ u डैश और v डैश को अलग कैलकुलेट यहाँ पे कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लेट या हियर u इक्वल टू क्या है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है, तो u डैश करना यानी कि डी यू बाई डी एक्स। अब देखो जो यहाँ पे यहाँ y है तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, यहाँ u है तो डी यू बाई डी एक्स, और नहीं समझ में आता है तो सीधा आप इसको u डैश कर दो। तो u डैश कर दिया इक्वल टू क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ये हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना अभी, ये वही है सेम, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, सेम वही किया जो यहाँ पे हमने किया ना, एज इट इज हम यहाँ पे वापस करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया, अब ये आपका साइन जो है वो आपका फर्स्ट है, और ये अंदर वाला जो है वो आपका यहाँ पर क्या है सेकेंड है। तो देखो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, तो हमने सीधा u डैश लिखा, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, तो cos x होता है, यहाँ पे फिर से लिख दियो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, तो cos x होता है, जो यहाँ एंगल है वही यहाँ पे एंगल रहता है, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये सबको टर्न देता है, भाई 13 टर्न हो गया, अब 13 टर्न, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा ए एक्स प्लस बी बचा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको वहां पे समझा चुकी हूँ। तो ये आपका यहाँ पे u प्लस v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, u का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन वैसे ही होगा, तो cos ऑफ ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या हो जाएगा, तो a बाहर आ जाएगा और dx बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर 1। फिर b का तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ b क्या होता है 0 होता है। अरे यहाँ देखो अभी तो समझाया था, भूल जाते हो तो जल्दी, है ना, ये यहाँ पे देखो इस तरह से, पहले d बाई डी एक्स इसके साथ अलग लिखा,
अच्छा सॉरी थर्ड क्वेश्चन था हमारा ना यहाँ पे रहा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी था, तो डी बाई डी एक्स एक बार इसके साथ अलग लिखा, इसके साथ अलग लिखा, तो देखो ये ए बाहर आ गया, डी एक्स बाई डी एक्स वन हो गया और कॉन्स्टेंट का जीरो हो गया, यही तो काम किया अभी हमने, ठीक है। तो ये यहाँ पे ए मैंने आगे लिख दिया। अब चलो अब वी के टर्न, तो कॉस सी एक्स प्लस डी का भी ऐसे ही करेंगे, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी डैश इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी हो गया, फिर आपका d बाय डी एक्स ऑफ क्या रह गया, सी एक्स प्लस डी हो गया। तो करो फिर इसका, यहाँ पे भी सेम ऐसे हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ओनली x का कॉन्स्टेंट आगे चला जाएगा, ओनली x डी एक्स बाय डी एक्स वन हो जाएगा और कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सिर्फ क्या बचने वाला, c बचने वाला है ना, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी हो गया, डी बाय ये डी बाय डी एक्स ऑफ सी बाहर x आ गया, तो कितना हो गया c इंटू वन यानी c बच गया, और डी बाय डी एक्स ऑफ आपका d तो कॉन्स्टेंट का क्या होता है जीरो होता है, तो यहां से आपका क्या बच गया c प्लस जीरो बच गया, तो c प्लस जीरो c होगा तो c आ गया, तो v डैश इक्वल टू माइनस का c साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी बच गया, बस ये u डैश आ गया, v डैश आ गया। नाउ अब आप यहां पे क्या करो, वैल्यू पुट कर लो, तो नाउ डी वाई बाय डी एक्स जो हमारा वाई था, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम सीधा करते, इसमें फॉर्मूला लगना है, तो यू डैश वी है, तो यू डैश क्या है आपका, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू वी क्या है, तो वी आपका ये रहा कॉस सी एक्स प्लस डी है, फिर माइनस वी डैश, तो वी डैश आपका ये रहा, तो ये तो किसका फॉर्मूले का माइनस है, एक ये फॉर्मूले का माइनस है और वी डैश के पास अपना खुद का माइनस है, तो ये दोनों माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस, तो वी डैश रखो वैल्यू सी साइन सी एक्स प्लस डी और यू, यू की वैल्यू क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे रख देते हैं, ये आपका यहाँ पर हो गया साइन ए एक्स प्लस बी हो गया, और डिवाइडेड में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कौन है आपका, ये वी है ना, तो इसका कर दो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर लिखो या कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख दो, तो ये आपका फाइनल आंसर राइट है। अगर आपने ये आंसर लिखा तब भी आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन अगर आप बुक के पीछे आंसर देखोगे तो उन्होंने कॉस स्क्वायर को इसके साथ अलग लिखा, इसके साथ अलग लिखा, फिर उससे क्या हो गया, इस कॉस से एक ये कॉस कैंसिल हो गया, नीचे एक कॉस बचा उसको सेक बना दिया, और इधर जब लेकर के आप यहाँ पे गए हो तो एक कॉस सेक बन जाएगा और एक साइन अपॉन कॉस को उन्होंने टेन कर दिया, देखो किस तरह से, वो भी मैं बता देती हूँ, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, अगर मैं ये कॉस स्क्वायर अभी ओनली इसके साथ देखते हैं ना, ओनली किधर वाले के साथ देखते हैं, इसको मैं छुपा देती हूँ, इधर वाले को छुपा देती हूँ, क्योंकि ये एक एलसीएम की फॉर्म में, तो इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, जब ये इसके नीचे है तो एक कॉस से एक कॉस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो वन अपॉन कॉस बचा, वन अपॉन कॉस को इन्होंने क्या कर दिया सेक कर दिया, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू वन अपॉन कॉस जो बचा है उसको लिख दिया सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी कर दिया है ना, ये ब्रैकेट से कन्फ्यूज हो गया, ठीक है, फिर ये प्लस हो गया। अब ये सेम कॉस आपका इधर भी आया, तो अब हम इधर वाली टर्म को छुपा देते हैं, तो जब ये कॉस यहां पे आया तो देखो सी एक्स प्लस डी यहां भी है, सी एक्स प्लस डी यहां भी, तो साइन अपॉन कॉस, इसको हमने दो अलग अलग बार लिया, स्क्वायर है ना तो दो बार ले दिया, तो एक कॉस इसके साथ मिलके क्या बन गया सी टेन सी एक्स प्लस डी बन गया, साइन ए एक्स प्लस बी हम एज इट इज लिखते हैं, इसके इसका कोई मतलब नहीं है, फिर एक कॉस नीचे और बचा है तो वन अपॉन कॉस क्या हो गया, तो वो आपका यहाँ पर हो गया सेक सी एक्स प्लस बी बन गया, सी एक्स प्लस डी बन गया, तो ये हमारे पीछे आंसर दिया है, तो ये लिखो तब भी राइट है और ये लिख दिया आपने तब भी आपका आंसर राइट है, कोई आपके मार्क्स यहाँ पे कट नहीं करेगा, लेकिन पीछे अगर आंसर ना मिला है ना तो आप कहोगे मैम आपका आंसर तो रॉन्ग है, आंसर कोई रॉन्ग नहीं है, फाइनल आंसर है आपको जैसी मर्जी वैसे देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, तो यहां फंक्शन को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, वहां u अपॉन v की फॉर्म में था, यहां cos x क्यूब एक अलग फंक्शन है और साइन स्क्वायर x पावर 5 एक अलग फंक्शन है ना, तो ये दो अलग फंक्शन और इसके बीच में रिलेशन क्या है, तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको u ले लूं, इसको मैं v ले लूं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता लग रहा है, तो मैं मुझे सारे फॉर्मूलाज लर्न है, जब आपको फॉर्मूलाज लर्न होंगे तो आपको भी अपने आप यहाँ पे आइडिया लग जाएगा, तो आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी आपका होता है कि जब मल्टीप्लाई में है तो ये लड़ाई नहीं करेंगे, पहले कहेगा तुम अपना डिफरेंशिएशन करा लो मैं एज इट इज बैठा हूं, फिर कहेगा कि तुम अपना करा लो मैं एज इट इज बैठा हूं, तो यहां प्लस का साइन है तो आप किसी का भी पहले कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब डिविजन में होता है फंक्शन आपके तो बीच में माइनस साइन आता है, तो आपको न्यूमरेटर का ही हमेशा पहले करना होता है।
ठीक है, तो अगेन आपका ये वही कि हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे यू डैश, यहां से यू की वैल्यू पता है, वी की पता है, बट यू डैश वी डैश नहीं पता, तो पहले हम यहां से यू डैश वी डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहां पे पहले लेते हैं लेट यू इक्वल टू कॉस, क्योंकि देखो एक्स क्यूब है, किसी भी बड़े फंक्शन को तोड़ने से क्या होगा, हमारा काम इजी हो जाएगा, है ना। तो अब निकालो यहां पे यू इक्वल टू ये हो गया, तो यू डैश यहां पे क्या होगा, यानी यहां पे लिखो डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये लाइन लिखनी हमेशा जरूरी है। तो ये आपका डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब हो गया। तो ये तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसमें ये पहला है और ये दूसरा है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो पहले का होगा फिर उसके बाद दूसरे का होगा, है ना। तो ये आपका यहां पर हो गया यू डैश इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, क्या होता है तो माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस का साइन जो इसका एक्स है वही इसका एक्स होगा, तो ये एक्स क्यूब हो गया, इसका टर्न हो गया खत्म। अब डी बाई डी एक्स इसके पास आ जाएगा, इसको इसका काम कर दिया, अब डी बाई डी एक्स शिफ्ट हो गया इसके पास आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है, एन बाहर आ जाता है और एक पावर कम कर देता है। तो यहां से आपने क्या देखा कि यू डैश इक्वल टू माइनस का साइन एक्स क्यूब इंटू मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया करो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो थ्री बाहर आ जाएगा और x की पावर 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे u डैश को क्या लिख लेंगे, ये जो टर्म है ना ये आगे लिख के चले, वरना आपको ये रहेगा कि इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, इस तरह से मत लिख देना साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, गलत हो जाएगा। तो माइनस का 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब हो गया। चलो इसको बना देते हैं हम ब्रैकेट बॉक्स के अंदर रख देते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, v लेट करना है, तो लेट v इक्वल टू, अब ये आपका थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा, आप समझ रहे होंगे ये दो फंक्शन है बट ये दो फंक्शन नहीं है, कैसे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन x की पावर जो 5 है उसका होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर x लिखो या साइन x का होल स्क्वायर लिखो एक ही बात होती है। तो अब यहाँ पे क्या करें, तो आप यहाँ पे देखो यहाँ तीन चीज है, एक आपके पास पावर है, यानी कि अगर मैं इसको x ले लेती हूँ तो ये x की पावर, अगर मैं इसको x क्या चलो ए ले लेती हूँ ना, ये अगर मेरा ए है तो ए की पावर 2, पहले इसका डिफरेंशिएशन करना, मैंने आपको कहा था ना जब दो तीन फंक्शन होंगे तो आपको सोचना पड़ेगा पहले किसका करना है, तो हमेशा जब भी पावर होगी पावर का सबसे पहले होगा, तो पहले इसका होगा, पावर का होने के बाद किसका होगा, साइन का होगा, और उसके बाद एक्स पावर 5 का होगा। ठीक है, समझ में आ गया, हमेशा पावर का पहले डिफरेंशिएशन होगा। तो पावर का कैसे होता है, यही फॉर्मूला, पावर आगे चली जाती है और एक पावर कम हो जाती है ना। तो करो फिर यहां पे v डैश इक्वल टू लिख लेते हैं अब हम, तो v डैश इक्वल टू d बाय टी एक्स ऑफ, इससे समझ में आ रहा तो ठीक है और इससे समझ में आ रहा तो ठीक है, तो मुझे समझ में आ रहा आपको इससे ज्यादा समझ में आ रहा है, साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर, तो बस इस स्क्वायर को आगे ले लो, तो v डैश इक्वल टू 2 आगे चला गया और साइन x पावर 5 इस पूरे की पावर क्या हो गई, 1 कम हो गई। तो ये तो अभी हमने पावर का किया, अब d बाई डी एक्स ने पावर का काम कर दिया, अब d बाई डी एक्स चला जाएगा सेकेंड वाले टर्म के पास, सेकेंड वाला कौन है, साइन x की पावर 5। चलो करो, तो v डैश इक्वल टू इसको सॉल्व कर लिया, एक 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा, तो 2 साइन x पावर 5 हो गया। अब d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, तो cos x होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हो, cos x, x की जगह कौन है, x पावर 5 है, तो इसका भी काम हो गया। अब d बाई डी एक्स इसके पास चला जाएगा, तो d बाई डी एक्स अब चला जाएगा x पावर 5 के पास में, है ना। स्टेप बाय स्टेप करा, पहले पावर को सॉल्व किया, फिर साइन के लिए लेकर आया, अब x पावर 5, तो वह तो हमारा बिल्कुल 5 आगे आ जाएगा और 5 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा। तो v डैश इक्वल टू 2 साइन x पावर 5 इंटू cos x पावर 5 इंटू 5 आगे और x की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4 हो गया। तो बस अब आप क्या करोगे, ये v डैश हो गया, ये आपका यहाँ पे u डैश हो गया, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 2 जा क्या हो गया, 10x पावर 4 साइन, क्योंकि मैं वैल्यू पुट करनी ना इसलिए cos x पावर 5 हो गया। ठीक है, तो u डैश आ गया, v डैश आ गया, अब आप वैल्यू को पुट कर दो। नाउ अब हम लिखते हैं हमारा dy बाय dx, तो ये लिखो dy बाय dx लिख लेते हैं। ठीक है, तो dy बाय dx में क्या गया, u डैश v है, तो u डैश आपका क्या है, ये रहा, तो लिखो माइनस का 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, और v कितना है, तो v आपका ये रहा, है ना, तो ये आप यहाँ पे लिख लो साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 हो गया। फिर प्लस क्या है, v डैश u है, तो v डैश लिख लो, v डैश आपका ये रहा 10x की पावर 4 साइन x की पावर 5
कॉस एक्स की पावर 5, ये वी डैश लिखा, अब यू लिखो, तो यू क्या है आपका कॉस एक्स क्यूब है, तो यहां लिख दो इनटू, या इनटू लगाने जो नहीं, कॉस एक्स क्यूब हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब माइनस यहां नहीं लिखते, इस टर्म को पहले लिख दो, इसको आप यहां पे बाद में लिख दो, ये फाइनल आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7, तो ये हमारा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अब ये अंडर रूट भी होता है, हमने पढ़ा था ना फॉर्मूले में d बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, पढ़ा था ना हमने। तो ये रूट, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको यहाँ पे पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसे देखो कैसे, 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो अब आप यहाँ पे समझ जाओगे कि ये एक पावर है, पहले इसका होगा, क्योंकि हमें डिसाइड करना पड़ेगा, जो डिसीजन होगा वही आपका राइट आंसर लाएगा। सबसे पहले आपका पावर का होगा, फिर कॉट का होगा, और फिर आपका एक्स स्क्वायर का होगा, है ना, हमेशा पावर का सबसे पहले होगा, ठीक है। तो अगर आप ये रूट एक्स वाला फॉर्मूला देख रहे हो तो डायरेक्ट इससे कर लो, और अगर आप ये डी बाय डी एक्स ऑफ यहाँ पे एक्स की पावर एन वाला कर रहे हो तो एन बाहर और एक्स की पावर एन माइनस वन, चाहे तो इससे कर लो सॉल्व, चाहे इससे कर लो, किसी से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो नाउ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, अगर मैं इसको यहाँ पे ए लेट कर लेती हूँ, ये रूट ए है तो इसका क्या हो जाएगा, रूट ए का 1/2 रूट ए सीधा हो जाएगा, तो इसी से हम लिख लेते हैं, 2 को तो रख देते हैं एज इट इज, डी बाय डी एक्स ऑफ कर देते हैं अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का कर दें। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ रूट का, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो x रूट के अंदर है वही हमारा x है, तो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया, है ना, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगाना, इसीलिए जितना शॉर्ट तरीका पढ़ोगे उतना इजी, ठीक है। अब इसने कहा मैंने रूट का काम कर दिया है, अब कौन बचा अंदर, ये बचा, तो d बाय डी एक्स अब यहाँ पे किसके साथ आ जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर के साथ आ गया, ठीक है। तो ये तो d बाय डी एक्स का काम क्या, ट्रैवल करना, जितने फंक्शन है उनके साथ में ट्रैवल करने का इसका काम है। तो ये हो गया d बाय डी एक्स, 2 से आपका ये 2 कैंसिल, है ना, तो ये हो गया 1/ इन रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अगर आप पीछे आंसर देखोगे ना तो उन्होंने कॉट को क्या कर दिया, कॉस अपॉन साइन करके फिर सॉल्व किया, बट मेरा ये मानना है कि जो फंक्शन जैसा दिया है ना उसको वैसा ही सॉल्व कर, तो मेरा जो आंसर है वो अभी पीछे वाले आंसर से मैच नहीं करेगा, क्योंकि जो आंसर है वो साइन अपॉन कॉस करके जो चेंज किया उस फॉर्म में, लेकिन आपको जैसे दिया वैसे ही इसको सॉल्व करो। तो डी बाय डी एक्स ऑफ आपका कॉट एक्स क्या होता है, तो डी, ये फॉर्मूला आपको सारे याद होने चाहिए ना, तो यहाँ देखो डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स जो होता है वो माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें जब फॉर्मूला पता है ये मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे यहाँ पे कौन है, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब डी बाय डी एक्स इसके पास चला जाएगा, अब डी बाय डी एक्स चला जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो ये तो आपको आता ही है, ये फॉर्मूला अभी हमने ऊपर लिखा है, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस बाहर ले लेते हैं कॉस, इससे मल्टीप्लाई होके, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन इन रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया, 2x हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे हमारा काम हो गया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके हम लिख लेते हैं, तो डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पे हो गया है फाइनल आंसर। तो ये आंसर भी हमारा राइट है, ठीक है। पीछे जो आंसर देखोगे ना वो साइन की फॉर्म है, बट इतना कॉम्प्लिकेशन मत जाओ, जो आपको प्रोसीजर पता है वही आप यहाँ पे कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, कॉस रूट एक्स का करना है, तो वो तो आपको सीधा ही यहाँ पे समझ में आ गया, ये फर्स्ट तो पहले इसका होगा और डी बाय डी एक्स बाद में इसके घर जाएगा, डी बाय डी एक्स बड़ा आदमी है, उसको सोचना पड़ता है पहले किसके जाए बाद में किसके जाए, ना तो पहले इसके घर जाएगा फिर वो इसके घर जाएगा। चलो हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके दोनों साइड डी बाय डी एक्स लगा दिया, तो ये आपका डी वाई बाय डी एक्स हो गया। तो डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, तो माइनस का साइन एक्स होता है, एक्स की जगह पे कौन है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स आ जाएगा। अब डी बाय डी एक्स ने इसका काम कर दिया, अब इसके पास जाएगा, तो ये हो गया डी बाय डी एक्स, बीच में चाहो तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। तो डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, तो डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया माइनस का साइन रूट एक्स और ये हो गया 1/2 रूट एक्स। अब चाहो तो इनको मिला करके एक साथ लिख दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो गया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस, पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होके
माइनस का साइन रूट एक्स हो गई और डिनोमिनेटर इस तरह से हमने लिख दिया है ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पता है, रूट एक्स से रूट एक्स को काट देंगे, लेकिन वो नहीं कटेगा क्योंकि ये इसका एक एंगल है। मानो कि साइन 45 है, तो साइन 45 की तो कोई वैल्यू होती है ना, तो ये ऐसे काटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते कि काट दे, ऐसे नहीं काटना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 आपके चेंज है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है ना। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, जहां पे x कहां से आ रहा है, रियल नंबर, सारी रियल नंबर्स यहां पे पुट कर सकते हैं। आपको ये शो करना है कि ये डिफरेंशियबल नहीं है x इक्वल टू 1 पे। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही समझाया था कि मॉड्यूलस फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस तो होते हैं बट वो डिफरेंशियबल नहीं होते। तो आप कैसे चेक करोगे, तो ये मैंने चीज आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी कि अगर आप किसी भी फंक्शन के लिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये शो कर दो कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम यहां से निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव हम यहां से निकालते हैं। सेम चीज है यहाँ पे, यहाँ पे जीरो माइनस होता है, यहाँ जीरो प्लस होता है। यानी कि जो आपको यहाँ पे एक्स इक्वल टू अगर वन पे हमें निकालना है, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब वन से थोड़ा इधर, और राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब वन से थोड़ा इधर। यानी ये 0.9 समथिंग होगा और ये 1.01 होगा, इस तरह से ना। तो ये दो चेंज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें चेक कहाँ पे करना है, एट एक्स इक्वल टू वन पे। तो इसका मतलब आपका सी इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया। सी की जगह आप क्या पुट करोगे, वन पुट करोगे। तो सॉल्व करो, तो ये हो गया आपका लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया, एच। ठीक है, चलो आगे देखो। तो मॉड्यूलस फंक्शन में अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू जहां पे x जो है वो ग्रेटर देन वन है, वो वैल्यू हमें यहां लानी पड़ेगी, है ना। तो यहां पे तो मॉड्यूलस फंक्शन है। अब देखो मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन आपको आती है ना, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, इस तरफ समझाती हूँ उस, क्योंकि यहाँ x माइनस वन है ना, तो मैं इसको पीछे करके बताती हूँ आपको। अगर आपको यहाँ पे कहा है कि y इक्वल टू मॉड्यूलस x है ना, अगर आपको कहा है कि y इक्वल टू मॉड्यूलस x है, तो मॉड्यूलस x की डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लिखते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, x जब ग्रेटर देन जीरो है, वो सारे, क्योंकि x कहाँ से आ रहा है आपका, रियल नंबर में आ रहा है। तो रियल नंबर में तीन तरह की वैल्यू होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, और एक जीरो होता है। तो वो सारी वैल्यू जो प्लस है, तो यहाँ पे मॉड्यूलस x को इन वैल्यूज के लिए कोई काम नहीं करना, वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए, फाइव के लिए, 1.0 के लिए कोई काम नहीं करना। जो वैल्यू अंदर गई है वो एज इट इज यहाँ पे बाहर आ जाएगी। ठीक है, एक्स इक्वल टू अगर आप जीरो रखोगे तो जीरो के लिए भी जीरो ही बाहर आ जाएगा। लेकिन आपने वो सारी वैल्यू रखी जो नेगेटिव है, लेस देन वन है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस फोर, तो मॉड्यूलस का काम क्या होता है कि अंदर जो भी आए उसको बाहर पॉजिटिव ही निकालना है। पॉजिटिव आई तो उसने एज इट इज निकाल दिया, जीरो आया तो उसने एज इट इज निकाल दिया। बट जब नेगेटिव वैल्यू अंदर आएगी कि मॉड्यूलस ऑफ माइनस वन आएगा, तो इसको बाहर क्या निकालना है, वन निकालना है। तो कैसे निकालेगा, ये यहाँ पे बीच के अंदर मशीन जो प्रोसेस करेगी, इस माइनस वन को एक माइनस और दे देगी। तो जो भी नेगेटिव नंबर अंदर आता है, तो मॉड्यूलस एक्टिव होकर उनको एक नेगेटिव और दे देता है ताकि वो प्लस हो जाए। तो इसका मतलब इसको जो भी एक्स की वैल्यू आप रखोगे, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, उसको एक नेगेटिव साइन यहाँ पर देना पड़ेगा प्लस करने के लिए, है ना। ये हमारे पास क्या होते हैं, मॉड्यूलस की डेफिनेशन होती है, और हमने कितनी बार इसको किया हुआ है। तो सेम डेफिनेशन हमें यहां पर भी बनानी पड़ेगी, तभी तो हम वैल्यू को पुट कर पाएंगे कि हम इसमें से कौन सी वैल्यू पुट करें, क्योंकि ये तो सारे रियल नंबर के लिए। तो यहां पे हम लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेते हैं, क्योंकि दोनों के लिए सेम आता है, और एक्स लेस देन जीरो लेते हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए तो जो मॉड्यूलस के अंदर है वो का वही बाहर आ जाएगा, है ना। एक्स माइनस वन आपका जो भी यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि आप एक्स की जगह पे जो भी पॉजिटिव रखो, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में सबसे पहली वैल्यू क्या रख सकते हैं, वन रख सकते हैं, टू रख सकते हैं, थ्री रख सकते हैं, फोर रख सकते हैं, फाइव रखो, तो हमेशा ये माइनस वन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और लेस देन जीरो जब भी आप यहाँ पे रखोगे, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, तो अंदर क्या होगा, नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव मतलब माइनस वन रखा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का टू आया, तो इसको नेगेटिव साइन इसको देना पड़ेगा, है ना। तो ये दो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए एक्स माइनस वन ही आएगा, और लेस देन जीरो के लिए यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स माइनस वन आएगा। अब हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी वन से छोटा। तो x इज लेस देन यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा जीरो नहीं, यहाँ पे हमारा क्या होगा, वन आएगा। हमें x इक्वल टू वन पे चेक करना है ना, तो वन के ऊपर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन का मतलब वन से बड़ी, और यहाँ पे जीरो रखोगे तब भी तो ये नेगेटिव हो रहा है ना। तो जिस पॉइंट पे चेक करते हैं उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालते हैं।
तो x इक्वल टू वन पे चेक करना है, तो वन से थोड़ा छोटा यानी 0.9, तो ये सारी वैल्यूज x इज लेस देन वन के लिए क्या देखोगे, ये इस तरफ कौन सी वैल्यू होगी, x इज लेस देन वन होगी, इधर आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगी ना, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू रखेंगे, ये जो वन प्लस एच है वो हम कहाँ रखेंगे, इस वाले एक्स की जगह रखेंगे, ये सारा हम 5.1 में कर चुके हैं। तो ये आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमें वैल्यू डिसाइड करनी थी इसलिए हमने ये सारा तामझाम किया। तो ये हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ वन प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स है तो ये आपका फंक्शन आ रहा है, तो यहाँ वन प्लस है तो इसकी जगह भी वन प्लस एच हो जाएगा, तो ये आपका हो गया माइनस वन प्लस एच माइनस वन, और एफ ऑफ वन कितना होगा, तो एक्स इक्वल टू वन पे क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो वन आप यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस वन। भाई यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन है जब एक्स ग्रेटर देन है या इक्वल वन है, तो एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वन इक्वल टू क्या जाएगा, वन माइनस वन हो जाएगा, भाई एक्स में वन रखोगे तो ये तो जीरो आ रहा है, ठीक है समझ में आ रहा है, और डिनोमिनेटर में आपका एच एज इट इज आ गया। अब इसको बस सॉल्व कर लो, तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो माइनस, ये आपका वन से ये कैंसिल हो गया और ये तो आपका वैसे ही जीरो है, तो यहां से आपका क्या बचा, माइनस एच अपॉन एच बचा है ना, देखो इस वन से ये वन कैंसिल हो गया, वन माइनस वन जीरो हो गया, तो यहां से सिर्फ क्या बचा, माइनस एच अपॉन एच बचा, तो एच से एच कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो माइनस, माइनस का वन बचा, अब यहाँ पे तो कोई एच है नहीं कि हम यहाँ पे एच की वैल्यू पुट करें, तो माइनस वन आ रहा है, ये आपकी एल एच डी आ रही है, ठीक है। अब आर एच डी को कैलकुलेट करो एक्स इक्वल टू वन पे, तो वही लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइड बाय एच, अब वन प्लस एच तो अब हमें यहाँ पे कहाँ जाना है, वन से ग्रेटर पे जाना है, तो ग्रेटर के लिए कौन सा वन प्लस एच कहाँ रखेंगे, इसके लिए रखेंगे ना, ग्रेटर देन राइट हैंड साइड मतलब वन से इधर, वन से इधर कौन सी वैल्यू होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगी, तो यहाँ के लिए रखेंगे, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ये हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स माइनस वन, तो एक्स की जगह वन प्लस एच माइनस वन, और अगेन इक्वल टू वन के लिए तो जो हमने सॉल्व किया वही आ रहा है, तो ये यहाँ पे सीधा जीरो कर देते हैं, डिवाइडेड बाय आपका एच हो गया, तो वन से वन कैंसिल हो गया, और ये लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस एच अपॉन एच बचा, एच से एच कैंसिल क्या आया, वन आया, तो यहाँ पे तो कोई एच है नहीं तो हम सीधा वन रख देंगे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एल एच डी लिमिट तो माइनस वन आ रही है, आर एच डी लिमिट आपकी प्लस वन आ रही है, तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना इक्वल, तो हम कह देंगे भाई ये फंक्शन जो है वो हमारा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव राइट हैंड साइड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आपको इस तरह से लिख देना है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सेम वैसा ही है बस फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो अगर आप भूले ना हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है कि अगर आप इसके अंदर जीरो रखोगे तो ये जीरो को बाहर कर देगा, है ना, तो अगर आप यहाँ पे 0.1 रखोगे तो भी ये जीरो को बाहर कर देगा, अगर आप यहाँ पे 0.5 रखोगे तब भी ये जीरो को बाहर करेगा, अगर आप यहाँ पे 0.9 भी रखोगे तब भी ये जीरो को बाहर करेगा, लेकिन जैसे ही आप वन रख दोगे तो वन बाहर आएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर मेरा जीरो है, ये वन है, ये मेरा यहाँ पे टू है, तो यहां से लेके यहां तक आप जो भी वैल्यू को पुट करोगे तो ये स्मॉल इंटीजर आपको देगा, है ना, जीरो पर भी 0.1, 0.2, 0.3 से लेकर 9 तक में आपको ये वैल्यू मिलेगी, फिर वन पे वन मिलेगा, लेकिन यहां से यहां तक फिर से आप जो भी वैल्यू पुट करोगे तो यहां से यहां तक की वैल्यू पे आपको वन मिलेगा, या इससे यहां तक की वैल्यू पे एग्जैक्ट टू पे आपको टू मिलेगा, यही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, कितनी बार हमने इसको सॉल्व किया, क्लास 11th में भी से हम इसको देखते आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू टू पे आप शो करके दिखाओ कि डिफरेंशिएबल ये नहीं है, तो सबसे पहले हम एट एक्स इक्वल टू वन पर चेक करते हैं, एक्स इक्वल टू वन यानी सी इक्वल टू आपका यहाँ पर वन है, तो एल एच डी कैलकुलेट करते हैं, एल एच डी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और एच सी की जगह पे हमने वन रख दिया। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये वन प्लस एच जब हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखेंगे तो ये बाहर कौन सी वैल्यू निकालेगा, है ना, तो वन तो हमें साफ दिख रहा है, अब एच की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये अंदर क्या वैल्यू बाहर निकाले, जैसे हमने यहाँ 0.1 रखा तो जीरो निकाला, हमने 0.9 रखा तो जीरो निकाला है, तो यहाँ पे भी हमें वो एस्टिमेट लगाना है कि एच की वैल्यू पुट करने पर ये क्या वैल्यू होगी, तो आप यहाँ पे देखो एच इज टेंडिंग टू जीरो, एच किसको टेंड कर रहा है, जीरो को,
तो मैंने यहां पे ले लिया एच इज टेंडिंग टू जीरो ले लेते हैं ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो से छोटी वैल्यू के लिए आपका लेफ्ट जाएगा और जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए इधर जाएगा। तो यहां हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, जीरो से इस तरफ जाएंगे। तो जीरो से इस तरफ तो सारी नेगेटिव वैल्यू होती है, तो हम यहां पे एच की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 0.1 रखते हैं, क्योंकि जीरो से छोटी, तो क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू नहीं रखनी कि माइनस वन माइनस टू, बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो, मतलब बिल्कुल अप्रोक्स अगर देखो तो ये जीरो के बराबर ही हो इस तरह से। यहां हम एच की जगह पे क्या रखते हैं, माइनस का 0.01 रखते हैं, या माइनस का 0.001 रखते हैं, माइनस का 0. आप यहां पे 2 रख सकते हो। तो ये सबसे छोटी वैल्यू हम ये ले लेते हैं। तो एच की जगह पे जब मैंने माइनस का 0.1 रखा, तो 1 माइनस एच किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस 0.1 हो गया। एच की जगह पे यही रखा ना, सॉरी 1 प्लस एच था, तो एच की जगह पे मैंने रखा तो 1 माइनस 0.1 हो गया। तो 1 माइनस 0.1 क्या बचा, 0.9 बचा। तो ये वैल्यू जब हमने सॉल्व की तो हमारी 0.9 आ रही है। जब आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर यहां पे पुट करोगे तो ये बाहर क्या निकालेगा, जीरो निकालेगा, क्योंकि अभी हमने देखा 0.9 क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि यहां से यहां तक की वैल्यू के लिए ये जीरो बाहर निकालेगा, यहां से यहां तक की वैल्यू के लिए वन बाहर निकालेगा, यहां से यहां तक की वैल्यू आप कोई भी पुट करो ये टू बाहर निकालेगा। यही काम इसका होता है ना। तो इसका मतलब एच की जगह पे जब मैंने जीरो से थोड़ी सी छोटी वैल्यू को रखा तो ये 0.9 समथिंग बन गई, और अगर 0.9 को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रखोगे तो ये बाहर आके गया जीरो देगी। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो माइनस, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एफ ऑफ वन क्या होगा, यहां पे आप वन डालो, वन डालोगे तो वन ही बाहर आएगा, तो ये वन हो गया डिवाइडेड बाय आपका एच हो गया। तो जीरो माइनस वन यहाँ पे क्या हो गया, तो जीरो माइनस वन माइनस का वन अपॉन एच हो गया। अभी हमने लिमिट पुट नहीं की तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो माइनस कर दो। अब एच की जगह पे आप यहाँ पे जीरो रखोगे तो माइनस वन अपॉन जीरो हो गया, तो वन अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, इन्फिनिटी। जब किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करो इन्फिनिटी आ जाएगा। नाउ अब आप यहाँ पे आर एच डी कैलकुलेट करो। ये हमारा समझ में आया, बस ये चीज समझने वाली इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एच की जगह पुट करने पर हमें क्या देगा, बाकी सारा तो पूछे क्या ना, बिल्कुल वैसे ही है। फिर चलो करो आर एच डी, तो वही एक्स इक्वल टू वन पे लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय एच। तो यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि f ऑफ वन कितना होगा, तो वन होगा, नीचे h है तो h होगा। अब आपको देखना यहां पे क्या आएगा, तो जीरो से थोड़ा सा इधर, तो जीरो से थोड़ा सा इधर यहां पे क्या होगा, 0.1, ये सारे पॉजिटिव, थोड़ा सा इधर h की जगह 0.1 रख सकते हैं, 0. आपका यहाँ पे 0.01 रख सकते हैं, मतलब प्लस में आप कोई ना कोई वैल्यू रखोगे। जीरो से थोड़ा सा इधर ये आपका इक्वल जीरो है, h इक्वल जीरो है, और ये इधर लेस देन जीरो, इधर ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो में यहाँ ही के आसपास की वैल्यू रखोगे ना। तो अंदर आपने जब यहाँ पे रखा 0.1 रखा, तो 1 प्लस 0.1 कितना हो गया, 1 प्लस 0.1, 1 प्लस h कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 1.1 हो गया। और 1.1 जब बाहर आता है, 1.1 यहाँ कोई होगा, 1.1 जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर आएगा तब भी ये किसके इक्वल होगा, 1 के ही इक्वल होगा। ये इसका बिहेवियर है, ये मशीन ऐसे काम करती है। तो यहाँ पे आपको 1 मिल गया, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 अपॉन h हो गया। और आपको पता है कि 0 में किसी से भी आप डिवाइड करो 0 ही आता है, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ तो कोई h है नहीं, क्योंकि 0 में किसी से भी डिवाइड करो 0 होता है, h है नहीं, तो यहाँ से आपका 0 आ गया। तो हमारी जो आर एच डी है वो कितनी आ रही, 0 आ रही है, और एल एच डी कितना आ रहा है, इन्फिनिटी। दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना इक्वल, तो दैट मीन्स ये x इक्वल टू 1 पे डिफ्रेंशिएबल नहीं है। चलो अब हमें किसके लिए करना है, तो हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपको x इक्वल टू 2 के लिए चेक करना है। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू 2 हो गया, यानी कि c इक्वल टू 2 हो गया। जो फॉर्मूला है उसमें c की जगह क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। c वो पॉइंट है जहां पे हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। अगेन अब आपको यहाँ पे देखना है कि f ऑफ 2 कितना होगा, तो 2 तो जो अंदर जाएगा इंटीजर अंदर था वो एज इट इज, कंप्लीट नंबर जब भी जाता है वो एज इट इज बाहर आ जाता है। तो लिमिट एच इज स्टैंडिंग टू जीरो माइनस, और मुझे लगता है अब आपको समझ भी आ गया, ये एज इट इज रह गया, एच एज इट इज रह गया। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहां देखो वही जीरो, तो ये आपका वही h इक्वल टू जीरो, जीरो से छोटा यानी माइनस का 0.1 रख देते हैं, और जीरो से बड़ा यानी प्लस का 0.1 रख देते हैं। तो माइनस का 0.1 रखोगे तो 2 प्लस h कितना हो जाएगा, तो 2 h की जगह माइनस का 0.1 रखा तो 2 माइनस 0.1 हो गया, यानी 1. आपका ये 9 समथिंग हो गया। तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब 1.9 को रखोगे तो बाहर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अभी तो हमने देखा था, ये देखो यहाँ पे देखो 1.1 रखा था ना, अगर आप 1.9 रखोगे तो बाहर 1 आएगा, लेकिन जैसे ही आप 1.9 से जस्ट बड़ा 2 रखोगे तो बाहर 2 हो जाएगा, है ना।
क्योंकि अंदर क्या है, ओनली एक्स है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, वन आएगा। तो वन माइनस टू कितना हो गया, तो वन माइनस टू आपका यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का वन बाय एच हो गया। अब एच की जगह आप जीरो रखोगे तो माइनस का वन अपॉन जीरो, तो ये आपका फिर से क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, अब फिर से आप आर एच डी राइट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर अगेन वही रख दिया। अब एफ ऑफ टू तो आपका टू ही हो जाएगा, एच एच ही। अब टू प्लस एच, अब एच की जगह पे क्या रखेंगे, जीरो पॉइंट वन रखेंगे। तो टू प्लस एच कितना हो जाएगा, टू प्लस जीरो पॉइंट वन हो गया। तो ये क्या हो गया, टू पॉइंट वन हो गया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप टू पॉइंट वन को रखोगे तो इसके बिहेवियर, जो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू हो जाएगा। तो टू माइनस टू कितना हो गया आपका, एच इज टेंडिंग टू जीरो माइनस टू माइनस टू जीरो अपॉन एच। जीरो में किसी से भी डिवाइड करो क्या आता है, जीरो ही बाहर आएगा। तो अगेन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ इसका मतलब एक्स इक्वल टू टू पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस भी नहीं होता है ना। ठीक है, तो हमने लिख दिया। तो ये हो गई हमारी 5.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट इस एक वीडियो में, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। थैंक यू।